Welcome friends to Indie Love Channel and today we are going to our favorite destination जहाँ पे हम लोग कभी फ्री टाइम होता है तो जाते हैं और आज मैंने कैमरा खुद संभाला है और अभी अपने डेस्टिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा हम लोग कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हैं हमारे और अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ की फेवरेट कुजीन तऊ खाने और उसके बाद से आपको ले चलते हैं मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन जो कि एक छोटा सा माउंटेन है और जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम वहाँ पे जाते रहते हैं। वहाँ पे ओलंपिक प्लेयर्स ट्रेनिंग लेते हैं, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग है उनकी। उसके साथ ही है पब्लिक जिम, आपको दिखाएंगे पब्लिक जिम। यहाँ का एक पार्क जो कि लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाते हैं यहाँ की फेमस कुजीन तऊक जो कि एक अरबी फूड है। तो अभी हम लोग हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट जेहान, जेहान से ही हम लोग नॉर्मली तऊक लेते हैं क्योंकि और जगह भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे हम तऊक खरीद सकते हैं पर यहाँ का तऊक मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमको सबसे पहले कूपन लेना होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले पे करना होगा। अपने इंडिया में भी ऐसे चलता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद से वेट करेंगे और वो कूपन पे लिखा नंबर बोला जाएगा और फिर आगे हम यहाँ पे अपना तऊक रिसीव कर सकते हैं। हमारा डिश करते हैं पेट पूजा और मिलते हैं आगे। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल जहाँ पे स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि मुझे नहीं आता है। करीब 3 साल से मैं ये सोचता हूँ कि ट्रेनिंग ले लूँ, आज लूँगा कल लूँगा और जो कि बस एक ड्रीम रह गया है। टाइम ही नहीं मिलता यार, मेडिकल प्रोफेशन और अभी ब्लॉगिंग शुरू कर दी इस वजह से। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, करीब 7 किलोमीटर है ये। ये है वहाँ यहाँ के ओलंपिक होटल, यहाँ पे यहाँ के खिलाड़ी रुकते हैं, जो फॉरेनर खिलाड़ी आते हैं यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे सुविधा दी जाती है जैसे जिम, कैफ़े और प्रैक्टिस करने की सुविधा यहाँ पे मिलती है उन्हें। When this hotel was built, Zaya? 1 or 2 years before. Okay. And this is stadium, yeah? In this stadium. Okay. It's so big stadium, yeah? Yes. In this stadium, they train from childhood or only national players? Not national. Just when some. So this stadium main about football, yeah? Okay. My perfect English. Yeah, how perfect English. And here what? There also some fights happen. Okay, which type of fight? Real fight? Fighters coming then. Okay, boxing. Boxing, yeah. So this, but outside I read managing department, this look like. No. Its name, Manier. Okay. Understand. और ये चल रही है यहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग उनके कोच के द्वारा। यहाँ का नेशनल गेम फुटबॉल है और लोग यहाँ पे फुटबॉल को एक रिलीजन की तरह देखते हैं, जैसे अपना क्रिकेट वैसे यहाँ फुटबॉल है। कमेंट करके बताइएगा किसको किसको फुटबॉल बहुत पसंद है। और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ के वाटर हीटिंग प्लांट पे। बात यह है कि व्लादिवोस्तोक में आपको फ्रिज नहीं रखना है पानी को ठंडा करने के लिए, यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। और ये है वो प्लांट
जिससे गवर्नमेंट सबको गर्म पानी प्रोवाइड करती है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ का वेदर ठंडा होता है, तो ठंडा तो करने की ज़रूरत है नहीं, गर्म ही करना है पानी को, इसलिए यहाँ पे पानी को गर्म किया जाता है। Why here we can see horses, Saya? Why? Because that side, like base. For horses? Horses, yes, and you can ride it there. Only for riding? Or they use somewhere else too? Mm-mm. No? Mm-mm. So it's kind of business, yeah. एक चीज़ तो है भाई लोग, यहाँ पे लोग स्पोर्ट फ्रीक होते हुए भी अपने जंगल, अपने पहाड़, अपने सिटी को काफ़ी क्लीन रखते हैं। चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं, आपको डस्टबिन तो मिल ही जाएगा। अभी हम सिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं, ये सिटी का एक तरह से बॉर्डर है, और यहाँ पे आपको हर जगह, हर 10 मीटर पर आपको ऐसे डस्टबिन मिल जाएंगे, जो कि अपने यहाँ थोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि अगर डस्टबिन हो हर जगह पे, तो अपने सिटी को साफ रखना आसान हो जाता है। और हम पहुँच चुके हैं काफ़ी अंदर तक यहाँ के जंगल में, और यहाँ पे बंदे तैयारी करते हैं, अपने फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे होंगे, इन्होंने अपने फिटनेस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बना रखा है कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स। आई डोंट नो हाउ दे यूज दिस इंस्ट्रूमेंट्स, बट आई थिंक दिस इज फॉर बॉक्सिंग प्रैक्टिस। एंड दिस टायर्स, आई थिंक दैट दे जस्ट मूव फ्रॉम हियर टू देयर। तो भाई लोग, बताना कौन कौन है फिटनेस फ्रीक और ऐसे ही पर डे ट्रेनिंग करने वाला बंदा। और यहाँ से स्टार्ट होती है खड़ी चढ़ाई, यहाँ से अपने कंधे पे लकड़ी के बूटे उटे उठा के दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है। काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग बच्चे करते हैं यहाँ पे बचपन से ही। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग करने का दो पर्पज़ है, एक तो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई आ जाती है कुछ देर बाद से, और दूसरा यहाँ पे काफ़ी शांति है। What you told about the specialty about this place, Zaya? That here you can concentrate. Okay. And what about, do you know any Olympic players from this city? No. Sport. You're not so big fan about games, yeah? Only medical. Yeah. Okay. सो ये मेरी बात गलत थी कि सारे लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं यहाँ के, ये हैं एक गेम से हेट करने वाली। या वन ईयर बिफोर व्हेन आई वाज हियर, यस, एंड वेयर आल्सो वाज व्हिच प्लेस यू शो इट वाज बेटर। अभी हम जहाँ आए हैं माउंटेन्स के लिए, यहाँ पे एक ब्रिज है। ब्रिज से पहले काफ़ी सुंदर लकड़ी का एक मकान होता था, जहाँ पे आप अपने लिए ड्रिंक्स और दूसरे सप्लीमेंट्स ले सकते थे। या एवरीथिंग हियर डिस्ट्रॉय, दे कट द ट्री, दे कट एवरीथिंग। ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इस ब्रिज के पास एक काफी प्यारा सा झरना बहता था। Yeah, I remember. Yeah. Only 1 year before, here was so much water. And now you can see. I think only when rainy season comes, then here water comes. Maybe, I don't know.
एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं। यहाँ पे जिम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्री जिम, कम्युनिटी जिम, और ये रहा एक और जिम, हमारे फैज भाई अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अरे फैज थक मत जाना, अभी बहुत चलना है। कौन विश्वास करेगा कि पहाड़ के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच एक जिम होगा। आज से एक साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। What about this material? Blue and red material. What is it? It's like rubber, yeah? मुझे लगता है कि ये जो material है, जो अभी आप देख रहे हैं red और blue color के, ये material rubber है मुझे लगता है, क्योंकि ये पत्थर नहीं है। यहाँ पे चलने पे महसूस हो रहा है। क्या लगता है फिर क्या हो सकता है ये जो ये रोड? मुझे तो लग रहा है रबर है ये है रबर, रिसाइकल वाली। रिसाइकल रबर है ना? ताकि कोई गिरे तो चोट ना लगे। अच्छा, यहाँ पे होती है एप्स की ट्रेनिंग। और फैज भाई अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जंगल तो बीच में, ये तो जंगल के बीच में ही है, हम मोगली से मिल रहे हैं। तो भाइयों फैज हमें मोगली से मिलाने निकल रहे हैं। भाई यहाँ पे कुछ भी मत खाना, कुछ हमारे पेट पूजा करने वाले दोस्त होते हैं उनको हमेशा रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर रास्ते में कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो फिर कंधे पे, इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि कंधे पे टांग के ले जा सकूँ, भाई अपना है इतना बड़ा। फैज भाई अभी आए हैं यहाँ पे कब? एक बार तो हम लोग साथ में आए थे यहाँ पे शशलीक बनाने, जो कि आपको आग पे मीट को भूनना, उसे शशलीक बोलते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने अपने तरफ से कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि मसाले। यहाँ के लोग डायरेक्ट बस भूनना है, नमक डालना और खा जाना, क्योंकि यहाँ पे लोग तीखा खाते नहीं हैं। ये बंदे अपने प्रैक्टिस करते हुए, अपना फिटनेस फ्रीक लोग। ठीक, ही टोल्ड मी नमस्ते, भाई ने नमस्ते बोला खुद को। इंडियन कहीं चले जाए नमस्ते तो मिलता ही है भाई, इज्जत। ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी की शूटिंग कर रहा हूँ मैं, डिस्कवरी लग रहा है। चलो भाई जैसा तुम कह दो। ये देखो काफी दूर आ गए, फिर पता चला कि ये कहीं गायब हो गई हैं। मुझे लगा कोई बाघ बाघ या चीता होता उठा के ले के चला तो नहीं गया, फिर याद आया कि यहाँ पे बाघ चीता तो होते नहीं है, चीते होते हैं पर ऐसे जंगलों में नहीं मिलते हैं, काफी दूर अंदर माउंटेन्स के मिलते हैं। यहाँ से कॉकाजियन माउंटेन्स स्टार्ट होते हैं, जो कि आगे जाके हिमालयन माउंटेन से मिल जाते हैं। ये माउंटेन्स की बहुत सारी शिखलाएं हैं। और ये देखिए एक और बंदा आया ना, ये बंदे एक माउंटेन से पूरी चढ़ाई करेंगे, फिर ऐसे ये अपने जो भी ट्रेनिंग होती है उसको करते हैं। करीब एक साल पहले यहाँ पे हम आए थे, इतनी खूबसूरत जगह, और अभी हर जगह घास ही घास। किसके साथ आए थे? अरे एक बार हम लोग आए थे तो वो मिला नहीं था, हाइकिंग वाला बंदा। हाँ हाँ हाँ, तो खाना वाना दिए थे हम लोग, याद है? अरे हाँ 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 हाँ, यहाँ पे जब हम लोग आए थे पिछले साल तो एक हाइकिंग के लिए एक बंदा आ रहा था, तो हम लोग उस समय शशलीक बना रहे थे और बंदे को खाने के लिए दिए थे, और वो काफ़ी खुश हुआ था हम लोग के गेस्ट अपीरियंस से। तो भाई फैज यहाँ पे ऐसा क्या अलग चीज़ देखा तुमने अभी? यहाँ पे सबसे अच्छा तो नेचर बहुत है रशिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे लोग फिटनेस फ्रीक बहुत हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, और तीसरी चीज़ के हाइजीनिक बहुत है, मतलब कूड़ा तो मिलेगा ही नहीं सड़कों पर कहीं भी पड़ा हुआ, तो अपने इंडिया की तरह। एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, लोग भी नहीं कूड़ा करते हैं और गवर्नमेंट हर जगह डस्टबिन रखी है, हर 100 मीटर पे तुम्हें डस्टबिन मिल रहा है। और लोग भी कूड़ा नहीं फेंकते हैं बाहर गाड़ियों से, जैसे अपने आप फेंकते हैं गाड़ियों से फेंक दिया या कुछ भी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। अगर एक हल्का सा छोटा सा पॉलीथीन जो टॉफी खा के हम लोग फेंक देते हैं वो भी यहाँ पे लोग बाहर नहीं फेंकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक जिम्स, और हर जगह आपको पब्लिक जिम्स मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है, कोच चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्पेशल डाइट चाहिए, इसलिए यहाँ पे लोग जिम ज्वाइन करते हैं। और अभी हमें यहाँ के अस्तबल स्लैश पार्क स्लैश रेस्टोरेंट
ऑगस्ट रेस्टोरेंट इसे कहा जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ के लोगों को घोड़ों से बहुत प्यार है, कल्चरल हेरिटेज माना जाता है इसे। और ये जो म्यूजिक है ये भी यहाँ की नेशनल म्यूजिक है। कोरोना के चलते इस समय सारे रेस्टोरेंट बंद हैं और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हाउस देख रहे हैं आप, इसमें लोग बैठ कर जो भी ऑर्डर करना होता है ऑर्डर करते हैं। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता है। समथिंग अबाउट दिस प्लेस है I saw that here they're teaching also kids from 7 they start and they teach anyone who want to ride horse. Yes, straight and long. And what is cost? Something like 1,800 was last year. Fun fact, bhai log, yahan ke jo restaurant hote hain, wo free mein hi DJ aur sare चीज़ें जो शादी के लिए होती हैं या पार्टी के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। आपको बस खाना खरीदना है और सारी सुविधाएं आपकी, और खाना भी कुछ ज़्यादा महंगा होता नहीं है। अगर आपको शादी करना है यहाँ पे तो काफ़ी सस्ते में नहीं पड़ जाता है, क्योंकि शादी में यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, करीब 20 से 30 लोग। बड़ी शादी है तो 100-200। और फैज़ हमारे नेशनल डांस करते हुए यहाँ का। ये ट्रेनिंग दे रहा दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन घोड़े। यहाँ के नस्ल के घोड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी तरह की ट्रेनिंग जैसे रेसलिंग और घुड़सवारी एंड एनी अदर थिंग्स लाइक स्पोर्ट, जैसे आपको बता दिया कि फिटनेस फ्रीक होते हैं, तो किसी भी तरह के ट्रेनिंग के लिए यहाँ के लोग अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए, ये उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है घोड़ों की, और वहाँ पर एक छोटी बच्ची है उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये इसकी पहली सवारी। So friends, I hope you like the video. Share, subscribe and tell your friends about this channel. I will try to give you more contents, so I hope you will like it, share it and subscribe it. Thank you so much, friends. Thank you.